डॉक्टर शलभ बंसल, रेडियोलॉजिस्ट, जो 20 वर्षों से हेल्थ केयर में एक सुप्रसिद्ध नाम है, जिन्हें देश व विदेश में क्रॉस सेक्शनल इमेजिंग करने का अनुभव प्राप्त है, और अपने इसी अनुभव और एक्सपर्टीज के साथ डॉक्टर बंसल लेकर आए हैं एक स्टेट ऑफ द आर्ट डायग्नोस्टिक सेंटर। बड़ों को मशीनों द्वारा उत्पन्न अत्यधिक शोर से होने वाली दिक्कतों जैसे क्लॉस्ट्रोफोबिया व एंग्जाइटी को ध्यान में रखते हुए हमने एक हाईटेक ऑडियो विजुअल MRI सिस्टम लगाया है। टेस्ला इमेजिंग एंड डायग्नोस्टिक सेंटर। सरधना से सपा विधायक अतुल प्रधान ने महंगे चिकित्सा व शिक्षा के खिलाफ भामाशाह पार्क में आज से धरना शुरू कर दिया। पूर्व में यह धरना जिला मुख्यालय यानी कलेक्ट्रेट पर होना था, लेकिन जिला प्रशासन ने कलेक्ट्रेट अथवा कमिश्नरी के सामने धरना देने की परमिशन नहीं दी। जिला प्रशासन ने इसके साथ ही स्पष्ट कर दिया है कि अतुल प्रधान को केवल एक दिन का धरना देने की परमिशन दी गई है। इसके बाद भी यदि वे इसे जारी रखते हैं तो संपूर्ण जिम्मेदारी उनकी ही होगी। इस बीच सरधना विधायक ने कहा है कि उनकी लड़ाई चिकित्सक अथवा IMA से न होकर उस व्यवस्था के खिलाफ है, जिसके चलते चिकित्सा व शिक्षा आम लोगों की जेब से बाहर हो चली है। सपा विधायक ने आज फिर दोहराया कि जिन चिकित्सकों ने उन पर आरोप लगाए थे वे अपनी संपत्ति सार्वजनिक करें। न्यूट्रिमा हॉस्पिटल के खिलाफ शुरू हुआ विरोध अब महंगे चिकित्सा व शिक्षा के खिलाफ केंद्रित हो गया है। अतुल प्रधान की लगातार कोशिश रही कि 10 अक्टूबर को आहूत विरोध प्रदर्शन में गांव देहात से बड़ी संख्या में लोग आए। इसके लिए कई दिनों से जनसंपर्क अभियान चल रहा था, पोस्टर व बैनर का भी सहारा लिया गया था, लेकिन बीते दिवस जिला प्रशासन ने परमिशन देने से साफ इनकार कर दिया। बाद में बात भामाशाह पार्क पर आकर बन गई। आज सुबह वहां UP के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव की पुण्यतिथि पर पहले हवन हुआ और फिर सभा। सभा के दौरान मीडिया से वार्ता करते हुए सपा विधायक अतुल प्रधान ने यह कहा। जन आंदोलन की शुरुआत किस वजह से जन आंदोलन? ये प्राइवेट अस्पतालों के और प्राइवेट स्कूलों के लूट के खिलाफ है और सरकारी व्यवस्थाएं खराब हैं। सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों की भारी कमी है और सरकारी अस्पतालों में सुविधाएं नाकाफी हैं, जिसके कारण से प्राइवेट अस्पतालों में लूट का कारण बना हुआ है। फीस के नाम पर, जांच के नाम पर, आपके क्या नाम जो है, दवाई के नाम पर जो लूट मची हुई है, उसके खिलाफ ये आंदोलन है। जो आज 10 तारीख है, नेताजी की पुण्यतिथि का अवसर है, इस पुण्यतिथि के अवसर पर हम लोगों ने इसकी शुरुआत की है और हम लोग इसको आगे लेके जा रहे हैं। क्या आरोप है? क्या आपका सीधा आरोप है? दवाइयों में ये लोग कमीशन खा रहे, जांचों में ये लोग कमीशन खा रहे। फीस इन्होंने 1000 से लेकर 2500 तक कर दी। पहले डॉक्टर का पर्चा बनता था 1 महीने का, फिर 15 दिन का, फिर 7 दिन का, फिर 5 दिन का। इन्होंने अब हर बार उन्होंने इस तरह की चीज कर दी है कि हर बार फीस ले रहे हैं और अलग अलग जगहों पर कमीशन तमाम तरीके से बढ़ा दिया है, जिसको लेकर कई लोग परेशान हैं, तो उसको लेकर ये लड़ाई जा रही है। प्रशासन ने आपने अपनी मांग रखी होगी, तो प्रशासन का क्या रुख है? प्रशासन का रुख तो आप जानते हैं। आप कल थे वहाँ पर, हमने कहा कि भाई हमें कुछ जगह चिन्हित करके दे दी है। इन्होंने परमिशन हमें आज शाम तक की दी है। हम आपके माध्यम से प्रशासन से कहना चाहते हैं कि हमें बता दीजिए कि कहाँ पर हमें जगह चिन्हित करके देना चाहते हैं। हम शांतिपूर्वक अपना प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट के लिए जहाँ जगह देंगे वहाँ पर हम रहेंगे। देखिए, हमारी तरफ से अनिश्चितकालीन हमने पहले ही कह दिया था, लेकिन इन्होंने परमिशन आज तक की दिया, आज अखबार में छपा, तब हम लोगों को इस चीज़ की जानकारी हुई। और अभी मेरिट कॉलेज की जो संस्था है उसकी तरफ से विक्टोरिया पार्क है, जिनके उनकी तरफ से अध्यक्ष जी का बयान आया कि हम अपना पार्क नहीं दे सकते, तो हम मेरिट कॉलेज के साथियों से कोई लड़ाई करना नहीं चाहते। हमें प्रशासन ने कहा कि आप विक्टोरिया पार्क में रहिए, हम यहाँ पर आ गए। हमें जहाँ पर भी वो जगह अलॉट कर देंगे वहीं पर हम लोग आंदोलन करेंगे। अगर आज शाम तक की जैसे आप बता रहे हैं कि परमिशन है, तो उठने के लिए कहेंगे तो आपका क्या? आप उठने के लिए कहेंगे तो हम क्यों उठेंगे? हमारा तो आंदोलन चल रहा है, तो बताएं हमें जगह दे दें, जहाँ पर हमें जगह देंगे वहीं पर बैठेंगे। इस अपडेट में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए FirstByte.tv। नमस्कार।